नमस्कार, AKM इलेक्ट्रिकल SVAC में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे कि सर्किट ब्रेकर कौन कौन से होते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। देखिए, ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं ये सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर जो है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सर्किट ब्रेकर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला सर्किट ब्रेकर एक जो है लो वोल्टेज का होता है, ठीक है। लो वोल्टेज का होता है और एक होता है हाई वोल्टेज का, ठीक है। हाई वोल्टेज क्या होता है, एक लो वोल्टेज में हो गया, एक हाई वोल्टेज में हो गया, ठीक है। लो वोल्टेज में और हाई वोल्टेज में डिफरेंट क्या है, यानी कि लो वोल्टेज किसको बोलते हैं और हाई वोल्टेज में किसको बोलते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने वोल्टेज पर काम किए हैं, लो में किए हैं या हाई में किए हैं। तो ध्यान में एक बात को रखना है कि लो में एक बोलते हैं LT, ठीक है, एक बोलते हैं HT, ठीक है। एक होता है LT पैनल, ठीक है, ये LT पैनल, ठीक है। तो एक LT पैनल होता है और एक होता है HT पैनल, ठीक है। तो एक LT पैनल होता है और एक हो जाता है HT पैनल, यानी कि लो टेंशन या इधर होता है। LT का मतलब होता है लो टेंशन और HT का हाई टेंशन, ठीक है। तो ये लो टेंशन में हो जाता है और एक हाई टेंशन। अब ये देखना है कि लो टेंशन कितने का वोल्टेज का होता है और हाई टेंशन कितने पर होता है, यानी कि लो टेंशन किसको बोलते हैं और हाई टेंशन इसी को सेम, यानी कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पर लो वोल्टेज हो गया, इधर से हाई वोल्टेज, ठीक है। अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखना है, क्लाइंट आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस करते हैं, आपको डिस्टर्बेंस करते हैं, लेकिन आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमको यही बताना है कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में डिफरेंट कैसा होता है या ब्रेकर कौन कौन से लगते हैं। अब देखिए, तो लो वोल्टेज में सबसे पहले, तो लो वोल्टेज में आते हैं, तो लो वोल्टेज में सबसे पहले कितना आता है, यानी कि 415 वोल्ट, ठीक है, 415 वोल्ट, या चार अगर मेजर करते हैं तो आपको 440 मिलेगा, ठीक है ना, 440, लेकिन ज्यादातर आपको जो है 415 वोल्ट ही आपको ज्यादातर मिलता है। जैसे 415 वोल्ट हो गया, तो ये भी लो वोल्टेज में आता है। और ध्यान में रखना है कि लो वोल्टेज में 415 वोल्ट आता है, उसके बाद से 220 यानी कि 220 वोल्ट, यानी कि ये भी लो वोल्टेज में आता है, यानी कि टोटल LT पैनल में इसका वर्क जो है LT पैनल में होता है, ठीक है ना, 220 वोल्ट, उसके बाद से 110 वोल्ट, ठीक है, यानी कि 110, ठीक है। तो इसका जो है ये टोटल जो है हमारा लो वोल्टेज, यानी कि LT पैनल, LT पैनल का लो टेंशन हो गया। तो LT पैनल में इतना मिलता है, जैसे 440 वोल्ट बोलिए या 415 वोल्ट बोलिए, ठीक है, दोनों सेम है, 220 और 110, ठीक है। ये आपको तीन टाइप का जो है वोल्टेज आपको मिलेंगे जो कि पैनल में इसका वर्किंग होता है, ठीक है। किस पैनल में, तो LT पैनल में, इसको लो टेंशन पैनल, लो टेंशन यानी कि LT होता है और HT होता है, ध्यान माइंड में सेट करके रखना है। अब आगे देखिए, इसमें कौन कौन से ब्रेकर यूज होते हैं और इसमें कौन कौन से ब्रेकर यूज होते हैं। तो पहले हम लोग वोल्टेज की, लो टेंशन का जो है वोल्टेज का हम लोग बात कर लिए, यानी कि लो वोल्टेज का। तो अब चलते हैं हाई वोल्टेज में। तो हाई वोल्टेज में आपको क्या होगा कि हाई वोल्टेज में सबसे ज्यादा 11,000, ठीक है, स्टार्टिंग में 11,000, ठीक है, 11K हम लिख दे रहे हैं, 11,000, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर होता है, ये हाई में होता है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज में, जो कि HT पैनल, हाई टेंशन पैनल में इसका वर्किंग रहता है, ठीक है, ये काम करता है, ठीक है, 11,000, उसके बाद से जो है आपको 11,000 हो गया, 11,000 के बाद से 33,000, ठीक है, 33,000, ठीक है, 33K, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज हो गया 33,000, उसके बाद से आपको आएगा 66,000, ठीक है, 66,000 इतना वोल्टेज में, उसके बाद से 120,000, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पर ये K लगाने का मतलब 3-0 होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज आपका हो गया, ठीक है, टोटल।
यानी कि 11,000, 35,000, 66,000, 1,20,000, ठीक है, ये एसटी में आते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज यानी कि हाई टेंशन, ठीक है ना। जो ये जो है आपको होता है, ये जो 415, 440, 220, 110 जो है ये लो वोल्टेज में आते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में पैनल यूज कौन सा किया जाता है, कौन कौन से ब्रेकर लगते हैं। देखिए सब शुरुआती दौर में पहले में एक आता था रीवायरेबल, ठीक है ना, उसको बोल जाता था रीवायरेबल, ठीक है ना। तो रीवायरेबल जिसको क्या बोलते हैं, किट काट, ठीक है ना, किट काट, ठीक है। तो किट काट का जो है ये जो है पहले जो है ये किट काट लगता था हर जगह, ठीक है, जो कि आपको 16 एम्पियर से लेकर के 400 एम्पियर तक का होता है, ठीक है, 16 एम्पियर से 400 एम्पियर तक का होता है, ठीक है। जो कि ये एक चीनी मिट्टी का ग्रिप, आप देखे होंगे ज्यादातर चीनी मिट्टी का ग्रिप, उसमें जो है आपको ये मिलेगा। पहले यही सब लगता था कि चीनी मिट्टी का ग्रुप ग्रिप में जो उसका ग्रिप होता है वही जो ग्रिप को फंसाया जाता है, ठीक है, और उसमें वायर लपेटा हुआ रहता था पतला सा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको जब रीमोडिफाई किया गया, मतलब इससे जब मान लीजिए किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है, या अगर ब्रेकर कहीं वायर शॉर्ट हो गया, तो वायर शॉर्ट होने के चलते उसका अंदर का वायर जो है कट जाता है, तो फिर आप जाएंगे दोबारा उसको वायर लगाएंगे और तब जाके ग्रिप को लगाएंगे तो वो चालू होगा, यानी कि वोल्टेज का सप्लाई आगे बढ़ेगा। उसको रीमोडिफाई करने के लिए क्या किया कि उसी को चेंज करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए सुविधा के लिए एमसीबी आ गया, ठीक है। एमसीबी ध्यान में रखना है, कैसे कैसे आपको इंटरव्यू देना है तो उसमें बताना है। एमसीबी के बाद से ईएलसीबी आ गया, ठीक है, ईएलसीबी आ गया, उसके बाद से आरसीसीबी आ गया, ठीक है। इसको सबका रीमोडिफाई किया गया है, जैसे एमसीबी का काम नहीं होता है, ठीक है, आरसीसीबी लग गया, ईएलसीबी लग गया, मतलब जो भी है, उसके बाद से क्या होता है, आरसीबीओ ये लग गया, ठीक है, इसको रीमोडिफाई कर, मतलब टोटल का रीमोडिफाई किया गया और आगे बढ़ता गया। उसके बाद से एसीबी, ठीक है, एसीबी आ गया, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपको लो वोल्टेज यानी कि एलटी पैनल में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब एसटी पैनल में कौन कौन से होते हैं तो ये देखना है। तो एसटी पैनल में, ठीक है, एसटी पैनल में एक आता है यानी कि हाई टेंशन का जो पैनल होता है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो हाई टेंशन का एक आता है SF6, ठीक है, ये हाई टेंशन में रहता है, ठीक है। तो हाई टेंशन का मतलब उसके बाद से आता है OCB, ठीक है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ध्यान रखना है ये सर्किट ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद से आता है VCB, ठीक है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, यानी कि ऑयल सर्किट SF6, ऑयल सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये जो है हाई वोल्टेज में लगते हैं। तो हाई वोल्टेज का मतलब क्या हो गया कि 11,000, यहाँ पर 11,000, 33,000, 66,000, 1,20,000, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज में आते हैं, ठीक है। अब इसको जो है क्या होता है, ये सब जो है आपको जैसे SF6 जो है और OCB, ये टोटल जो है हाई टेंशन में, मतलब इनकी ज्यादा वोल्टेज का सप्लाई अगर पावर हाउस में आ रहा है तो वही पावर सब स्टेशन में लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद से ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके, ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन किया जाता है, और स्टेप डाउन करने के बाद से जब स्टेप डाउन होगा, ठीक है, स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन करके आपको 440 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, स्टेप डाउन करके। और ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप होते हैं और स्टेप डाउन होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ट्रांसफार्मर के बारे में जो है स्पेशल वीडियो इस पर बना हुआ है, जो नहीं जानते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये ब्रेकर का जो है आप लो टेंशन में और हाई टेंशन में आप लोग देखें, ठीक है। तो ये सर्किट ब्रेकर का जो है, जरूरी नहीं है कि ब्रेकर सिर्फ इतना होता है, ब्रेकर बहुत है, लेकिन आपको जो है एक होता है कि इंडस्ट्रियल में
और एक होता है डोमेस्टिक में, तो ये आपका डोमेस्टिक में और ये जो है इंडस्ट्रियल में। ज़्यादातर आपको हाई वोल्टेज में आता है, आपको मिलेगा 415 भी इंडस्ट्रियल में भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको आपको यही सब वायर ये सब जो है आपका जैसे ब्रेकर जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लो वोल्टेज का हो गया, इधर हाई वोल्टेज का हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और किसी प्रकार का कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको इलेक्ट्रिकल में, एसी टेक्नीशियन में, एचवीएसी में अगर आपको समझ में नहीं आता है चीलर में, आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।